नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दो मिनट में बनने वाला चमचम गजक, तिल गुड़ से बनने वाला है। तो देखिए, ये है तिल, 200 ग्राम गुड़ है, तिल है और 200 ग्राम गुड़ है। तो मैं इसको भून लेंगी पहले। अब मैं कढ़ाई के चढ़ा करके गैस ऑन करती हूँ। ये देखिए 200 ग्राम तिल है और ये 200 ग्राम गुड़ है। मैं इनको भून लूँगी तिल को पहले, तो बहुत जल्दी भून जाता है। कढ़ाई गर्म है, मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए बहुत ही जल्दी भून जाता है। इसको मीडियम में ही भूनेंगे, क्योंकि ज़्यादा भून जाने से ये कड़वा हो जाता है, तो मीडियम लो में भूनेंगे। और दो तीन मिनट में भून जाता है ये कैल्शियम से भरपूर होता है। और ये गजक मुंह में घुलने वाला होता है, कोई भी खा सकता है इसको, बच्चे बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब फूल गया है ये, और हल्का पिंक भी हो गया है। तो ये पिंक होने तक ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब मैं इसको बिल्कुल नहीं भूनूंगी, उतार लूँगी इसको, एक प्लेट में पलट देती हूँ और पलट कर ठंडा होने के लिए इसको रख दूंगी। ये देखिए अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये ठंडा हो जाएगा तब इसको पीसेंगे, क्योंकि अभी गरम गरम में पीसेंगे तो ये इससे ऑयल निकल जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। ये मिक्सी में डाल दिया है दोस्तों। ये देखिए अब ठंडा हो चुका है ये। अब मैं मिक्सी के जार में इसको डाल देती हूँ, डालकर दरदरा पीसूंगी इसको, ज़्यादा महीन नहीं करूँगी, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए अब ये पीस गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए देखिए दरदरा सा पीसा है अच्छा सा। अब मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ, ये जो गुड़ था मेरे पास, ये गुड़ डाल देती हूँ। इस गुड़ को डालने के बाद रोक रोक कर थोड़ा सा पीस लूँगी, एक आध 10 से 20 सेकंड, बस तैयार हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों, मैं इसको निकाल लेती हूँ जार में से। ये देखिए अब मैं लेती हूँ एक पैन और गैस को ऑन कर लेती हूँ और पैन रख देती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच घी, घी को मेल्ट होने देती हूँ। ये देखिए घी गरम हो गया है, अब मैं इसको, ये मिक्स था ये डाल देती हूँ। आंच बिल्कुल मीडियम लो है, तो इसमें डाल देती हूँ मैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल 5 मिनट में बन जाता है। ये देखिए मिक्स होने लग गया, अब ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 1 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ, ये बड़ी इलायची का पाउडर है, ये देखिए इस तरह से बड़ी इलायची होती है, तो इसी का ये पाउडर बना लिया है, ये डाल दूँगी इसी में। ये देखिए अब तैयार हो गया है, 1 मिनट हो गया है भूनकर, ये देखिए कितना साइन आ गया है इसमें। अब मैं इसमें पलट लूँगी, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से या तेल से, बिना फ्लेवर वाले तेल से इसको पलट सकते हैं। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको पलट लेती हूँ। ये देखिए फटाफट से इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुरंत भर में कड़ा होने लग जाएगा। मैं शेप दे देती हूँ एक अच्छा सा। ये देखिए मैं इस पर डाल रही हूँ पिस्ता का कुछ कतरन, इसे मैं सजा दूंगी। और मैं इसे थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि सेट हो जाइए। फिर मैं इस तरह से इसको सजा दूंगी ऐसे। इसी तरह से मैं पूरा सजा लूंगी। ये देखिए मैंने सजा लिया इसको, इसको एक बेलन से एक बार मैं प्रेस कर दूंगी। बेलन में घी लगा लिया है मैंने, बेलन से ऐसे प्रेस कर दूंगी तो सेट हो जाएगा। ये
ये देखिए मैं इसमें कट का निशान लगा लेती हूँ, ये बर्फी सा काट रही हूँ मैं, ये देखिए कट करके मैंने रख दिया है इसमें, और उसी तरह से मैं सारा काट लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों बनकर तैयार है, मैंने सजा दिया है, ये चमचम गजक तैयार हो गया है, और कितना बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। और ये देखिए कितना खस्ता है, ये देखिए ऐसे टूट रहा है, ये बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर है इसका देखिए, और इसको सभी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो आप बनाएं खाएं और घर में सबको खिलाएं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।